हरिद्वार के गुरुकुल कांकड़ी विश्वविद्यालय में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर दिनेश भट्ट ने बताया कि हमें हमारे वन्य जीवों को अमूल्य संपत्ति के रूप में देखना होगा। उनके बचाव के बारे में सोचना तभी संभव है अगर हम न केवल वन्य जीव को बचाएं बल्कि उन्हें पनपने का अवसर भी प्रदान करें। यदि आवश्यक हो तो हमें उन्हें उचित वातावरण में रखकर उनकी संख्या बढ़ाने में योगदान देना होगा। देहरादून से मैम बुलाई गई थी, उन्होंने हमें बताया कि हमें मतलब कैसे रहना चाहिए, जीव जंतुओं को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। लगातार शिकार कर रहे हैं, हमें उन्हें बताना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए इस बारे में। और मैम ने हमें आज काफ़ी बातें बताई है। ये नॉलेज ही नहीं है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, और गरीब लोगों को 100 रुपये दे के जानवर मारे जाते हैं, और फायदा होता है जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े पोर्टल्स हैं जिनका पूरा नेटवर्क दुनिया भर में है, और डार्क वेबसाइट भी बन गई है अब तो, जहाँ पे उनकी खरीद फरोख्त भी होती है। पर्यावरण से संबंधित सभी जन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट से घोषित होते हैं उनको हमेशा तत्परता के साथ आयोजित करता है, जिससे कि हमारे BSc MSc और PhD के छात्र वो सब अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें। आज का जो प्रोग्राम था 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जो है विभाग में मनाया गया। नेशनल साइंस डे का जो थीम था वो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी कि विश्व विज्ञान विश्व कल्याण के लिए। तो इसमें आशय ये था कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको हम साइंस की महत्ता के बारे में बताएं।